आइए आप सबको दिखाते हैं मटन से भी अच्छा कुकिंग बनेगा और आलू गोभी का सब्जी जो कि मटन से भी अच्छा टेस्टी बनेगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और वीडियो का फुल मेकिंग आपको दिखाते हैं जो कैसे बनेगा, और ट्रक ड्राइविंग लाइव दिखाएंगे जो हम लोग कहाँ जाते हैं गाड़ी चलाने को और कितना रात में पहुँचते हों, कहाँ लोडिंग होगा। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मेरा ये दूसरा ट्रिप कंप्लीट हो गया है और तीसरा ट्रिप में कहाँ जा रहे हैं, कहीं दूसरा नया जगह जाएंगे तो आप सबको पूरा वीडियो में दिखाएंगे जो कहाँ जाएंगे, और जाएंगे जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे कि हम जाएंगे तो आपको कहाँ जाएंगे तो बताते हैं कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएगा रे? तो दोस्तों कहाँ जाएंगे तो बता दिए, कहाँ जाएंगे तो झारखंड जाएंगे। तो आप लोगों को तो पता है झारखंड में बहुत चीज फेमस है, तो आप सबको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ फेमस है और क्या क्या फेमस होगा वहाँ पे, क्योंकि तो बहुत दिन के बाद जा रहे हैं झारखंड, क्योंकि तो हम लोग के यहाँ तो उस सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उस सिस्टम है तो आपको क्या चीज़ है वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप सबको बता देना चाहते हैं, अभी हम मधेपुरा में हैं और अभी हम तेल गाड़ी का फुल करवा लिए हैं और टंकी फुल है मेरा, और अभी जो है यहाँ से निकलेंगे और रास्ते देखते हैं कहाँ कहाँ होकर के जाएंगे, तो वो सब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो अभी इसका ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी रात को रहता है, आप लोग को पता है होगा, और कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं जो मेरा ड्यूटी रात को रहता है, हम दिन में गाड़ी नहीं चलाते हैं, दिन में हम वीडियो में शूट करने में एडिट करने में रह जाते हैं, तो दिन में हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, बस हम रात रात को चलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग तो समझ गए होंगे जो हम मधेपुरा से निकल गए हैं और अभी हम उदाकिसुनगंज भी पार कर गए हैं, उधर हमको थोड़ा ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का। तो ठीक है दोस्तों, आगे का रूट आपको दिखाते हैं जो कैसा रोड है, कैसे रोड पे जाने वाले हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिए, तभी आप देख पाइएगा झारखंड का स्पेशल चीज क्या होने वाला है, और वीडियो का थंबनेल पर भी लगाएंगे कि हम झारखंड पहुंच गए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो बने रहिए, चलिए आगे के सफर दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों हम मधेपुरा से निकल के पुरैनी के आसपास पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं जो रोड का मेकिंग देखिए कितना अच्छा है और फिनिशिंग कितना अच्छा है, और गाड़ी अच्छा से इस पे ड्राइव किया जाता है, बहुत सुंदर रोड है। आप रोड का लुक देखिए कितना सुंदर रोड है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चलिए और आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं जो कैसा सफ़र होने वाला है, और आप लोग बताइएगा कमेंट में जो कैसा सफ़र और कैसा रोड का व्यू आप लोग को देखने को मिला। तो देखिए कितना सुंदर रोड है, और ये जो है SH 58 है जो कि मधेपुरा से भागलपुर को जोड़ता है, वही रोड है, और आगे का सफ़र में आप सबको लेके चलते हैं, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पुरैनी पंप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं गुपचुप वाला है, तो हम लोग थोड़ा नाश्ता करते हैं, भूख लग गया है, सुबह से घर पे खाए थे उसके बाद खाना नहीं खाए थे, अभी गुपचुप खाते हैं। और ये पंप आपको बार बार हम लोग इसी पंप पे आते थे, डीजल भरवाते थे, यहाँ का वीडियो भी हमारे चैनल पे वायरल हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, इसी पंप का वीडियो है जो वायरल हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, चलिए पंप पे आपको लेके चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम भर रात गाड़ी चलाते हुए झारखंड पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग जो मेरा गाड़ी लोडिंग हो रहा है, और लोडिंग जो है मेरे गाड़ी में पलटा होगा और लोडर से लोडिंग किया जा रहा है। आप देखिए गाड़ी मेरा लोडिंग हो चुका है, अब हम पहाड़ से गाड़ी को नीचे उतार करके आगे पार्किंग में ले जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं जो पहाड़ से, देखिए गाड़ी चलाना बहुत ही कष्ट है, क्योंकि यहाँ अगर ज़रा सा ब्रेक फेल हुआ तो गाड़ी को ड्राइवर संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ऊपर से गाड़ी को नीचे उतारा जाता है, यहाँ एक एक किलोमीटर ऊंचाई से गाड़ी को नीचे उतारा जाता है सावधानी पूर्वक, नहीं तो कभी भी दुर्घटना घट सकता है। तो आप लोग वीडियो बने रहिए, देखिए कितना ऊपर से गाड़ी नीचे को तरफ जा रहा है। तो देखिए अभी फिलहाल ये गाड़ी इधर से मेरा यहाँ से
दहना के लिए मुड़ेगा। और आप देखिए पहाड़ में डीजल का टैंकर ही अनलिमिटेड रहता है, आपको जहाँ जरूरत लगा वहीं आप बोला जी फोन कीजिए, आपकी गाड़ी के पास डीजल पहुँच जाएगा। तो पहाड़ में इतना सुविधा है। और देखिए पहाड़ का रोड किस तरह से होता है, वो टूटा फूटा, तो ये सब गाड़ी जो है लोडिंग के लिए आ रहा है। और आप देखिए करेसर कैसा होता है, जहाँ पे गिट्टी फाइबेट को तैयार किया जाता है, और ये कच्ची रोड से ही चलता है गाड़ी। और आगे भी आपको इधर ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा है, क्योंकि यहाँ बरसात जब होता है तो बहुत सारा खड्डा हो जाता है, क्योंकि इसमें पक्की रोड है नहीं, बस कच्ची रोड से ही गाड़ी चलता है। तो आप लोग देखिए जो ये जो गाड़ी सब है साइड के लिए खड़ा है, और कोई कोई गाड़ी अपना लोडिंग किया के लिए जा रहा है, और कोई गाड़ी सब लोडिंग में आ रहा है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये चेली ढोने वाला है, जो कि खदान से पत्थर ला कर के करेसर पे गिरता है, जिससे कि वो फाइबेट पलटा उल्टा जो पेरता है वही माल बनता है, चेली लाता है। और ये सब जी गाड़ी अपने बाड़ी का इंतजार कर रहा है, लोडिंग होगा उसके बाद आगे जाएगा, जहाँ से पर्ची पार्किंग में लगता है, और वहाँ से रात को है जो 10 बजे 90 छोड़ता है, उसके बाद बॉर्डर पे चालान चेक हो करके बिहार के तरफ गाड़ी घुसता है। तो आप लोग देखिएगा, आगे का भी हम आप लोग को बता दिए हैं। फिलहाल हम अभी जो है यहाँ 10 बजे रात तक रुकेंगे, और 10 बजे रात तक में देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आज जो है कुछ बनाने वाले हैं, बस आप लोग बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों हम अभी जो है झारखंड पहुंच चुके हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं जो यहाँ पे क्या क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे क्या क्या आज कुकिंग बनाने वाले हैं और क्या क्या खाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं जो क्या क्या यहाँ पे हम लोग बनाए थे आज, तो आप लोग को वीडियो पे भी लाइव दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं कुकिंग पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं जो कुकिंग हमारा किस तरह से बन रहा है। इसे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें सरसों का ऑयल डाल दिए हैं, और इसमें जो है अभी तेजपत्ता दे दिए हैं, जीरा दे दिए हैं, इसको भूनते हैं, और आपको आगे का भी प्रक्रिया दिखाते हैं। तो अभी इसमें प्याज डाल दिए हैं, इसको अभी भूनेंगे, उसके बाद आपको आगे का भी प्रक्रिया दिखाते हैं। तो इसमें प्याज अभी फ्राई होगा, तो अभी प्याज मेरा फ्राई हो रहा है, और देखिए ये मेरा छोटा सिलेंडर है, और बस इसमें 1.5-2 किलो गैस अटता है, और नया ट्रक में जो है फर्स्ट टाइम जो है हम कुकिंग बना रहे हैं, नहीं तो पहले वाले ट्रक में बनता था, ओनली इस जो है नया ट्रक में फर्स्ट टाइम कुकिंग बन रहा है, वो भी दूसरा ट्रक का सहयोग से बन रहा है, क्योंकि दूसरे ड्राइवर के सहयोग से ही हम आज बना पाए थे। तो आपको मटेरियल दिखाते हैं क्या क्या डालना है। तो ये देखिए दोस्तों आपको गोभी हो गया, और ये देखिए पापड़ तर दिए हैं, ये जो है पनीर का फ्राई कर दिए हैं, और ये धनिया हो गया, ये टमाटर हो गया, ये आलू हो गया, ये मूली हो गया, और ये सब को अभी धो करके रखे हैं। और ये देखिए लहसुन और मिर्ची का पेस्ट कूटे हैं अपने हाथों से, और वो पेस्ट इसमें डालेंगे। तो अभी इसको भूनते हैं, और उसके बाद आपको आगे का सिस्टम दिखाते हैं, जो चिकन मटन से भी अच्छा सब्जी को कैसे बनाएं। तो ये देख सकते हैं लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो गलास में दे करके हम अपने टायर लीवर से कूटे थे, और कूट करके इसको बारीक किए थे। तो अभी इनको भी भूजते हैं, और जब तक ये ब्राउन कलर नहीं होता है तब तक इसमें हम आगे का आइटम नहीं डालेंगे। तो इसको तब तक चलाते हैं, और आपको आगे का भी आइटम दिखाते हैं इसमें क्या क्या डलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जितना ही आइटम है सब इसमें डलेगा, और अभी मेरा इसमें सब कुछ डल चुका है। और देखिए बस ओनली सलाद इधर काट रहा है, मूली है, लहसुन है, और सलाद काटने के बाद आपको दिखाते हैं जो पार्किंग का नज़ारा, पार्किंग में कौन कौन आदमी खाना बनाया था। तो मेरे साथ का गाड़ी था, गाड़ी है वो कि अभी पीछे में ये खाना बनाया है, जिनका सिलेंडर बड़ा था तो इनको जल्दी बन गया था खाना, तो ये लोग बना करके खा लिया। हमारा सिलेंडर छोटा है
तो उसमें लौ कुछ कम था, इसी वजह से हमारा खाना अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पार्किंग का नज़ारा है और इसी पार्किंग में हम भी हैं, और आपको हम गाड़ी के ऊपर से चढ़ के और पार्किंग में दिखा देते हैं कितना गाड़ी है, और सब गाड़ी है लोड है, जो कि ये सब गाड़ी रात में निकलेगा जब नो एंट्री खुलेगा तब। तो आप देखिए कितना गाड़ी सब लोड है और सब गाड़ी सब खड़ा है, सब अपने बारी का इंतज़ार कर रहा है, रात में सबको निकल जाना है, चलान मिलेगा, चलान कटेगा, सब अपना निकल जाएगा। तो आप नीचे हम जाते हैं, तो नीचे देखिए दोस्तों ये मेरा सब साथी है जो कि सब ड्राइवर ही है, सब ड्राइवर का सहयोग से हम आज कुकिंग बना पाए थे। तो ये मेरे साथ का ड्राइवर है, मेरे साथ में गाड़ी चलाता है, ये दूसरा जो है ये दूसरे का गाड़ी में दूसरे के साथ रह के गाड़ी चलाता है। तो उतना में है जो गाड़ी का भी कुकिंग वाला आदमी आ गया था, तो ये देखिए जो गाड़ी का कुकमैन है, तो गाड़ी को भी भूख लग गया था, तो उनके भी जो है ग्रीस मार रहा है पिन में, वो भी क्योंकि चों बोलने लग गया था, तो भाई को भी 150-200 रुपया हो जाएगा। इसको भी बोले भाई तब तक हम लोग का कुकिंग बनता है, तब तक तुम जो है ग्रीस मार दो। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना ग्रीस मारने लग गया, तब तक मेला जो है इधर कुकिंग बन के रेडी हो गया है, और आपको खाते हुए भी वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि झारखंड है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा होता है, लेकिन हम लोग नहीं दिखाए क्योंकि हमारे बिहार में वो चीज़ प्रतिबंध है, इसीलिए हम वीडियो में वो चीज़ आपको नहीं दिखाए और ना ही वीडियो खाने वक्त का हम बनाए, क्योंकि हम लोग बिहार में वो चीज़ प्रतिबंध है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होंगे। तो हम लोग प्रतिबंध के कारण कुछ सामान वीडियो में नहीं लाए और नहीं आप लोग को दिखा पाए। तो ये सब आइटम है जो कि आलू गोभी पनीर मिक्सचर सब्जी बना था और चावल बना था, दोनों को आज बना करके हम लोग को भोजन के लिए करना है। तो अभी हम चूल्हा के पास बैठे हैं, इसको पका रहे हैं, तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिए और दिखाइए जो कैसा गाड़ी के नीचे में खाना बना के ड्राइवर सब खाता है। तो ड्राइवर की लाइफ कितना बड़ा समस्या के कारण है, तो आप देखिए वीडियो में कैसा खाना बनता। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे जो हम लोग के लाइफ में किस तरह से कुकिंग बनाया जाता है, तो गाड़ी का लोडिंग क्या है, कितना गर्मी है, क्या है नहीं है, तो आप सबको सभी चीज़ों वीडियो में बारीकी से दिखाए हैं। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सबसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगा, तब तक दोस्तों जय हिंद।